Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। So guys, आज का वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ब्रांडिंग वर्सेस मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या आपको सिर्फ ब्रांडिंग करके बेनिफिट हो सकता है या सिर्फ मार्केटिंग करके बेनिफिट हो सकता है। पूरा डिटेल में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन दबा दो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर में आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड और एसईओ से रिलेटेड, गूगल एड, फेसबुक एड वगैरह से रिलेटेड आपको वीडियोस यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बारे में। तो ब्रांडिंग क्या है? सो बेसिकली कभी भी कोई भी कंपनी अगर अब जनरेट होती है, बनाई जाती है, इनोग्रेट करी जाती है, तो सबसे पहले उस कंपनी का जो है वो ब्रांडिंग क्या कहलाता है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी जो है वो ब्रांडिंग कहलाती है, उसका जो लोगो है वो ब्रांडिंग कहलाता है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं, ये सारी आपकी ब्रांडिंग के अंदर आती हैं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट करते हो, सेल किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आपका जो बिजनेस है वो किस लोकेशन पे आपका अवेलेबल है, ऑफिस कहां पर है, तो ये जो है सारा आपका ब्रांडिंग कहलाता है, राइट। तो जो अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के अंदर जो आपके कम्युनिकेशन है आपके कस्टमर्स के साथ में, आपकी जो डिलीवरी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो आपकी मार्केटिंग है, आपकी जो सेल्स है वो आपकी मार्केटिंग है, आपका जो ग्रोथ है वो आपकी मार्केटिंग है, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी मार्केटिंग में आती हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग और वर्सेस मार्केटिंग के अंदर, तो ब्रांडिंग जो है वो आपकी हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है, जबकि मार्केटिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो ब्रांडिंग जो है, से फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग की क्यों बात करी, लॉन्ग लास्टिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग इसलिए लॉन्ग लास्टिंग होती है बिकॉज आपका जो कंपनी का लोगो है, राइट, वो तो आप डेली बेसिस पे चेंज नहीं करोगे, या हर छह महीने में या हर एक साल में चेंज तो नहीं करते हैं, तो वो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाता है, दैट इज कम्स अंडर द ब्रांडिंग। तो लोगो माइट भी हम जो है चार पांच साल बाद में लगा कि नहीं, लोगो जो है ये हमारा सही नहीं है, और बड़ी बड़ी कंपनीज अपना लोगो को स्लाइटली चेंज करती हैं, बट लोगो आपका जो है उसकी एक आइडेंटिटी, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट ही पूरा चेंज करते हैं, लोगो माइट बी चेंज, राइट। तो ये आपका जो है ब्रांडिंग के अंदर आता है। अगर हम बात करें कि हमारे मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के अंदर क्या है कि मार्केटिंग डिपेंड करता है, आपकी चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, राइट, और जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो मार्केटिंग जो है वो हमेशा चेंजिंग होती रहती है। अगर आप एक मान लीजिए आज आपकी कंपनी जो है इनोग्रेट हुई है, आज जो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी माइट भी आपका नेक्स्ट ईयर और दो साल बाद या तीन साल बाद बिल्कुल भी काम ना करे, तो मार्केटिंग जो है वो चेंज होती है। मार्केटिंग की एग्जांपल लें तो सबसे पहले जो मार्केटिंग होती थी, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें या डिजिटल मार्केटिंग की भी इवन अगर बात करें, तो लेट्स टॉक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए काम होता था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी आपके अलग अलग सेक्शंस आ गए हैं, आपके पास में एक वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट के ऊपर में आपके पास में ऑन पेज एसईओ होना चाहिए, ऑफ पेज एसईओ होना चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग होनी चाहिए, आपके जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होनी चाहिए, अब तो ये चीजें जो है वो चेंज होती जा रही है, तो ये सब जो है वो आपका मार्केटिंग का आता है। तो यहां पे अभी कंक्लूजन के ऊपर में आते हैं कि क्या सिर्फ ब्रांडिंग करके हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं? द आंसर इज नो। आप सिर्फ ब्रांडिंग या सिर्फ मार्केटिंग करके सक्सेस नहीं हो सकते, आपको दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग बिकम्स इक्वल्स टू सक्सेस। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हैं, चाहे आपका खुद का कोई बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, तो आपको दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर आइडेंटिटी विच इज ब्रांडिंग, यू हैव टू वर्क ऑन दी मार्केटिंग एज वेल। मार्केटिंग आपका चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन लोगो और आइडेंटिटी वगैरह जो आपकी कंपनी की है, जो आपकी वैल्यूज है कंपनी की, वो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी एक आइडेंटिटी है, राइट, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आपको सक्सेस होना है तो इन दोनों के ऊपर में आपको पैरेलली काम करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है एक डिजिटल मार्केटिंग आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, फ्रीलांसर हैं, ओनर हैं किसी बिजनेस के, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं,
तो डेफिनेटली आपको जब भी अपने क्लाइंट्स को या अपने खुद के लिए आप अगर काम करें तो आपको दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के ऊपर में। तो दोनों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ही जल्द सक्सेस हो जाएंगे। और सक्सेस जो है दोनों के अंदर आप काम करेंगे, इवन दो सक्सेस आपको ओवरनाइट नहीं मिलेगी, उसमें भी आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपका टाइम दोनों पे काम करते चले जाएंगे डेफिनेटली आपका जो एक जो सक्सेस है, जो आपकी सेल्स है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होने लग जाएंगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ब्रांडिंग वर्सेस जो मार्केटिंग का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप इससे और ज्यादा डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मेरे से प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप उस पर क्लिक करके खुद को एनरोल कर सकते हैं एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जहां पर हम सारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सारे वो कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं, सारे वो टॉपिक्स कवर करते हैं जो एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए होने चाहिए, चाहे वो पेड है या फिर फ्री है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, वॉट एवर इट इज, ब्रांडिंग वर्स प्लस आपका मार्केटिंग दोनों को कवर किया जाता है। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।